अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती जी आप भी ठीक होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज आपके साथ जी नई रेसिपी शेयर करने लगे हैं। तो जी बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी, और वो जी बनने लगे हैं चाइनीज़ मंचूरियन और चाइनीज़ राइस। ठीक है जी, तो जी बहुत टेस्टी बनेंगे जी। चले जी गाइस फिर आपके साथ शेयर करते हैं जी। ये देख ले जी, ये मैंने लिया है चिकन, ठीक है जी, बोनलेस मैंने लिया। ठीक है, तो जो हम यानी कि इसको मैरिनेट करेंगे, तो चीज़ें आपको दिखाते हैं फिर। ले जी इसको मैरिनेट करेंगे, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया एक चम्मच भर के, और ये चिली सॉस और सोया सॉस भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये देख ले जी, ये दो चम्मच मैंने सोया सॉस और दो चम्मच मैंने चिली सॉस ऐड किया, ठीक है जी। तो आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच जी नमक का, ठीक है जी। मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है जी। तो अब जी इसको यानी कि हम रख देंगे कोई आधा घंटा, घंटा आपने इसको रखना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको इतनी देर रखेंगे, अगर नहीं टाइम तो फिर आप इसको 10 मिनट ही रख सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर अभी आपको बाद में मिलते हैं जी। ये देख ले जी, ये मैं साथ चाइनीज़ राइस भी जी बनाने लगी हूँ, ठीक है जी। तो ये जी इनकी सब्ज़ियाँ मैंने काट के रखी हैं, ये देख लें कितनी प्यारी लग रही हैं। तो जी ये मैंने अपने उसके लिए चिकन मंचूरियन के लिए काटी हैं, ठीक है जी। तो जी फिर आप बताते हैं। तो ये देख ले जी, पहले तो मैं चावल तैयार करने लगी हूँ, तो बाद में जी मैं अपना चाइनीज़ मंचूरियन बनाऊँगी, ठीक है जी। तो ये मैं इसलिए नहीं आपको सारा दिखा रही कि वो ये वाली तो रेसिपी मैंने अपने यानी कि चैनल पर डाली हुई, अगर किसी ने देखनी है तो आप यानी कि फिर जी मेरे चैनल से देख सकते हैं ये राइस वाली, ठीक है जी। इसलिए नहीं चाइनीज़ राइस की मैं दिखा रही हूँ। तो मंचूरियन तो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखते गाइस कैसा बनता है। देख ले जी, मेरे पास तो टाइम था तो मैंने आधा घंटा इसको रख दिया, ठीक है जी। चिकन को तो तीन चम्मच जी मैंने भर के मैदे के डाले और तीन चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर के डाले, ठीक है। तो पहले हम इसको करेंगे जी फ्राई, ठीक है। तो मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ जी। सॉरी गाइस, मैंने आपको दिखाया नहीं, एक मैंने इसमें अंडा भी ऐड किया, ठीक है जी। तो ये भी हम इसमें अंडा भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देख ले जी, मैंने मिक्स कर लिया, तो वो बॉल मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने बड़े में शिफ्ट कर लिया, ठीक है जी। तो आपने ऐसे ही गाइस जी करना है, ठीक है जी। तो ये फ्राइबन में मैंने अपना घी ऐड कर दिया, घी गर्म हो जो, तो अब इसमें हम यानी कि डालेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं जी। देख सकते हैं जी मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो अभी जब रेडी होंगे तो फिर जो आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देख ले जी, दूसरी साइड मैंने इसके पलट दिया, ठीक है जी। तो आपने इसको हल्की आँच पर कुक करना है, ठीक है जी, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं करना, नहीं तो अंदर से फिर कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ये गोल्डन हो जाएगा। तो हल्की आंच पे करना है जी, ऊपर से भी गोल्डन हो और अंदर से भी कच्चा हो, ठीक हो यानी कि पक्का हो, ठीक है जी। तो अभी फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख ले जी, तैयार हो चुके हैं, अभी आपको दिखाती हूँ प्लेट में भी जो निकालें। तो देख ले ऐसे आपने निकालने गोल्डन करके, तो कितना प्यारा कलर आ रहा है, देखिए मुँह में से पानी आ रहा है। ये देख ले जी, इसमें मैंने लहसुन डाल दिया, ठीक है। पहले हम लहसुन इसमें ऐड करेंगे, हल्का सा उसको सोते कर लेंगे यानी कि, फिर आपको दिखा। तो ये देख ले जी, मैंने इसमें डाल दी है प्याज और ये शिमला मिर्च, तो आपने थोड़ी तेज़ी आँच रखनी है बिल्कुल, यानी कि आपने स्लो नहीं करनी, तो ज़्यादा नहीं इसको आपने पकाना। तो ये बस थोड़ा सा हो जाए तो इसमें ही आपने सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, ठीक है जी। तो ये देख ले जी, एक मैंने चिकन क्यूब्स भी इसमें ऐड किया, ठीक है। तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे चिकन क्यूब्स भी, बाकी आपको दिखाती हूँ। देख ले गाइस, ये वाला मैं केचप डालने लगी हूँ, ठीक है। तो ये सारा ही मैं ऐड करूँगी, पाव का ये पैकेट है तो ये मैं डाल। देख ले जी, मैंने केचप भी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अभी और चीज़ें ऐड करते हैं फिर आपको दिखा। तो ये देख ले गाइस, आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है, ठीक है। और दो चम्मच मैंने सोया सॉस ऐड किया है और दो चम्मच चिली सॉस ऐड किया, ठीक है जी। ये चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो फिर थोड़े से मिक्स कर लेंगे फिर आपको दिखा। तो ये जी हरा प्याज है मेरे पास, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी, कुछ गार्निश के लिए रख लूँगी। नहीं करो नैंसी। तो ये देख ले जी, थोड़ा सा ये पतला है तो इसमें हम थोड़ा कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करके फिर हम वो इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो ये देख ले जी, मैं कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करने लगी हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये जी चिकन भी मैं ऐड करने लगी हूँ, ये देख लें, ठीक है जी। तो मिक्स करते हैं इसको, ये देखिए जी कितना प्यारी लुक आ रही है, तभी आपको दिखाती हूँ। तो ये जी कुछ बचे से जो
हरा प्याज ये इसमें ऐड करने लगी हूँ। तो ये देखिए गाइस कितना प्यारा लुक लग रहा है इसका, तो मज़े का लग रहा है। तो अभी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं सारी। तो ये देख ले गाइस मेरी डिश की ये फाइनल लुक। तो ये देख ले जी चाइनीज़ राइस और चाइनीज़ मंचूरियन। तो देख ले जी ये मैंने प्लेटें बनाई हैं, एक मेरी बड़ी भाभी के लिए एक छोटी के लिए, ठीक है जी। तो मैंने कहा जब जी वो ख्याल करते हैं तो मुझे भी तो करना चाहिए ना। तो जी मैं आपको चेक करके फिर दिखा। तो जी मैं चेक करने लगी हूँ कैसा बना मेरा चिकन एंड मंचूरियन एंड चाइनीज़ राइस। तो गाइस बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना है। तो जी ज़रूर आप मेरी रेसिपी फॉलो किया करें, यानी कि जिस किसी ने बनानी होती है, ठीक है। तो ज़रूर जी देखा करें, लाइक सब्सक्राइब किया करें जी। तो जी आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया जी। फिर अल्लाह हाफिज़।